हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में एथिक्स भी है, लेकिन फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, एक जो बिजनेस है वो वर्क कहाँ करता है? बिजनेस वर्क इन सोसाइटी। जब आप एक सोसाइटी में काम करते हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह से बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई बिजनेस कहाँ काम कर रहा है? बिजनेस ने काम किया अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी के रिसोर्स यूज किए। कौन कौन से रिसोर्स यूज किए? भाई लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं हम। तो ये सभी रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? ये सभी रिसोर्सेज सोसाइटी से आ रहे हैं। तो जो चीज आप सोसाइटी की यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। यानी कि सोसाइटी में आपको कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप करने होंगे जिसमें सोसाइटी आपको समझे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यानी कि आप एडल्ट्रेशन जैसे प्रॉब्लम है कि एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, चोर बाजारी नहीं करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, मॉल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काएंगे, अच्छे गुड्स उन्हें रीजनेबल प्राइसेस पर देंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करेंगे, तो ये सब क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई काइंड्स या टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो टाइप्स हैं ये हमारे पास 4 टाइप के हैं, जिसको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट करके ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले है हमारे पास इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है ये इकोनॉमिक? देखिए, वर्ड ही है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जनरली मनी से रिलेटेड होता है, मॉनेटरी। यहां पर आप केवल इथिकल बात नहीं करेंगे, यहां पर आप मॉनेटरी बात करेंगे। यानी कि सोसाइटी के लिए आप रिसोर्सिस को इकट्ठा कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो गुड्स आप बना रहे हैं वो गुड्स अच्छी क्वालिटी के आप सोसाइटी को अवेलेबल कराएं। और जो खास बात है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, खास बात क्या है कि आप उन्हें रीजनेबल प्राइस पर, आप रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करें। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आप सोसाइटी से बाहर जा रहे हैं, यानी कि आप उन्हें ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान दो जाना है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको अच्छे गुड्स बनाकर और उनको रीजनेबल प्राइस पर नॉर्मल प्रॉफिट लेते हुए सेल करना है। क्लियर है हमारे पास कंसेप्ट? अब हम नेक्स्ट को ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर सोसाइटी में एक गवर्नमेंट होती है उसको चलाने के लिए, तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। भाई ऐसी थोड़ी सोसाइटी चलती है, उसके कुछ लॉ हैं, रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनको फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के बाहर जितने भी सिस्टम्स बनाए हैं उनको फॉलो करना हमारा काम है। और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे भाई, गवर्नमेंट तो आपके ऊपर क्या करेगी? फिर हस्तक्षेप करेगी, इंटरप्रिटेशन होगा, आपके पास इंटरवेंशन होगा, नई नई चीज होगा। तो इससे बचने के लिए के तरीका क्या है कि आप सभी जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करें। तो यहां पर आपको कोई ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट में नहीं जाना है, बस ये ध्यान देना है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल भी है। यानी कि जो लॉ हमसे कहता है कि हमें क्या नहीं करना है, भाई एडल्ट्रेशन नहीं करना है, मॉल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, या इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, उसके जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना है। तो नहीं, यहाँ पर हमारा फॉलो अप रूल है। थर्ड है हमारे पास एथिकल। जो ये एथिकल है, ये एथिकल क्या है? एथिक्स मानवता सिखाती है, नैतिकता। तो जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता की बात क्या है? नैतिकता की बात है हम कि हम जो हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हम कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें, हमें कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट ना दें। भाई अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप एडवर्टाइज करेंगे, तो कोई भी एडवर्टाइज ऐसा ना हो जो लोगों की भावनाओं को आहत करे। भाई कोई भी जो रिलीजन है, सभी रिलीजन इक्वल है, तो सभी को आपको एक वे में देखने, यानी कि उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो किसी भी तरह से हर्ट ना हो। तो आपको कास्टिज्म पर या इस तरह के जो कंसेप्ट है इन पर नहीं करना, यानी कि जो ध्यान देना है वो क्या है कि भाई कोई भी चीज ऐसी ना हो जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो, सोसाइटी में झगड़े हो, सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो। तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से जाना है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ है डिस्क्रिमिनेटरी। ये आपको पूरी तरह वॉलंटरी है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप करें, मजबूरी नहीं है आपकी करें, लेकिन एक मैंने आपसे क्या चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं एक इथिकल है। तो इसी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी। तो डिस्क्रिमिनेटरी में क्या है कि भाई सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप एक ह्यूमन बींग्स हैं, आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसी परेशानियां आने पर सोसाइटी की आप मदद करें। अब सपोज कीजिए साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई,
अकाल आ गया, ड्रॉट जैसा कहते हैं, फ्लड, तो इन सब परिस्थितियों में क्या है कि आप उन्हें डोनेशन दें, नहीं थोड़ी चैरिटी दे दें, इस तरह की कोई हेल्प जब आप कर देते हैं। लेकिन ये वॉलंटरी है, मजबूरी नहीं है कि आपको करना है। देखिए अब मैं आपको बात करें कि इकोनॉमिकली अगर आप महंगा गुड्स बेचेंगे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कस्टमर ही नहीं लेगा, लीगल है, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके कारण आपको अपने बिजनेस में जो इंटरवेंशन झेलने पड़ेंगे। तीसरा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे पास, ये हमें पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये भी काफी हद तक आपका वॉलंटरी है। लेकिन जो फोर्थ वाला है ये तो आपके लिए पूरी तरह से वॉलंटरी है, आप इन्हें फॉलो करें या ना करें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म को यदि हम प्रॉपर माइंड में फीड कर लें एक बार कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, तो क्लियर होगा। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन भी बनाए हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है ना सोशल वेलफेयर पर खर्च करेंगी। अब वो सोशल वेलफेयर का सेंस वो डिफरेंट होता है। अब वो सोशल वेलफेयर क्या ही सेंस में होता है कि भाई आप पॉल्यूशन है, आप सोसाइटी में इतना पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे, अपने आप से कोई पॉल्यूशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको डिफरेंट ग्रुप के लिए फॉलो करनी है, हम थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। भाई कौन कौन से फंड्स हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, देखिए हमारी शेयर होल्डर्स के लिए, ऑनर जिन्होंने पैसा लगाया है, वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हमारे गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमारी सोसाइटी को मेंटेन कर रही है, कम्युनिटी सोसाइटी यानी कि जो हमारा पूरा ग्रुप जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो हम 1-to-1 इसको समझते हैं कि किस में हमें क्या क्या करना है, यानी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिए, पॉइंट टू पॉइंट्स। अगर आप टिप्स पर इन पॉइंट्स को लर्न करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, भाई ठीक है हमारे पास 5 पॉइंट है तो पांचों को एक सिक्वेंस में आप ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना टूवर्ड्स शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर यानी जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे को लगाया है, ऑनर है वो, मालिक हैं, जो रिस्क ले रहे हैं आपके बिजनेस में। तो जो आदमी आपके बिजनेस में रिस्क ले रहा है उसके लिए बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बिजनेस में जो पैसे को इन्वेस्ट किया गया है उस पैसे पर उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, प्रॉफिट हो, मैक्सिमम ना हो ऑप्टिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। मार्केट में उनकी जो गुडविल बढ़े, उनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू लगातार इंप्रूव होती रहे, तो ये सब क्या है, ये हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग सेंस में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। अब शेयर होल्डर्स की पॉइंट पर बात करें तो उनके शेयर्स की वैल्यू इंप्रूव होनी चाहिए, मार्केट में उनके शेयर्स की रेपुटेशन इंक्रीज होनी चाहिए, कंपनी की जो रेपुटेशन है वैल्यूज है वो बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है कि जब तक वैल्यूज बढ़ती हैं तो वो सारे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको वर्क जो हमारे ओनर्स हैं उनके लिए उनको प्रॉफिट की मैक्सिमम परसेंटेज ना मिले तो ऑप्टिमम तो मिले। भाई कोई भी बंदा कोई भी पर्सन अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो कंसेप्ट होता है प्रॉफिट, वो ग्रो करना चाहता है। कोई भी किसी बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा जब उसको कोई रिटर्न ही नहीं होगी, तो फेयर रिटर्न उसको यहाँ मिलनी ही चाहिए। दूसरा है मेरा वर्कर्स। तो जो सोसाइटी का एक रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में वर्कर का, कर रहे हैं ना भाई, वर्कर कौन है, वर्कर तो सोसाइटी से ही आए हैं, तो जो लोग सोसाइटी से आए हैं उनका ध्यान रखना है, प्रॉपर उन्हें सैलरी दीजिए, उनको एक वर्किंग एनवायरमेंट दीजिए अच्छा सा। भाई वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या है, जो आपकी वर्किंग सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी पर्क्स, उनका जो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनका डेवलपमेंट। भाई वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो परेशान थोड़े होने चाहिए, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर सैलरी पर्क्स, प्रॉपर इन्वायरमेंट हम उन्हें दे रहे हैं, फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज है, उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने बनाए हैं। तो यानी कि वर्कर्स के लिए इस तरह का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये हमारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड हम देखें कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर तो मेन है आपका, ठीक है वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वर्कर्स आपके ओनर वो सब किस पर बेस्ड हैं, कंज्यूमर्स पर बेस्ड हैं, क्योंकि आपके गुड्स को कंज्यूमर यूज करेगा और कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट कहाँ से होंगे। तो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको कंज्यूमर्स को अच्छे गुड्स अवेलेबल कराने होंगे, अच्छे गुड्स रीजनेबल प्राइस पर। कंज्यूमर है आपका, कंज्यूमर है आपका, आपकी मार्केट है वो, आपको फ्यूचर तक वो प्रॉफिट रन कराएगा, तो आप उसे कैसे गुड्स अवेलेबल कराएंगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि हम उसे
प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। तो है या नहीं कि भाई अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स आपको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे आप भी छोड़ देंगे, कुछ और लेने लगेंगे। तो जो बिजनेस है, तो यहां तो मैं ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इंडिविजुअली भी बात करेंगे तो यही इफेक्ट आने वाला है कि कंज्यूमर को हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज गुड्स अच्छी क्वांटिटी में अच्छे सिस्टम से एक रीजनेबल प्राइस पर मिले, इजीली अवेलेबल हो, उनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है तो बेकार है। तो प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ सर्विसेज कस्टमर को चाहिए वो सब उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो पूरी सोसाइटी को गवर्न करती है, दैट मीन्स की लॉ रूल्स रेगुलेशंस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। तो एक बिजनेस हाउसेस का जो काम होता है वो गवर्नमेंट के लिए है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिजनेस हाउसेस ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना आपको, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दीजिए। कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप मत कीजिए जिससे कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरवेंशन करे। माल प्रैक्टिस मत कीजिए, एडल्ट्रेशन मत कीजिए गुड्स के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग मत कीजिए, ठीक है। कोई भी इस तरह के जो सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं उन लॉ का आप फॉलो करें। उन लॉ को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझें, यानी बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी है भाई। गवर्नमेंट पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, तो गवर्नमेंट जिस सिस्टम को ऑपरेट कर रही है तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम टैक्स प्रोसीजर डेवलप किया है उस पूरे टैक्स सिस्टम को डेवलप करना यानी कि उसको पूरा करना एक बिजनेस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब है हमारे पास कम्युनिटी सोसाइटी। हम तो काम ही सोसाइटी में कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, यानी वैल्यूज डेवलप करनी होंगी। किसी का जो जैसे कहते हैं ना रिलीजन, उनके जो सेंटीमेंट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। उनके लिए प्रॉपर जो सिस्टम है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां पर प्रॉपर डोनेशन देना, यानी कि जो सोसाइटी है जिसमें आप काम कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो, और अगर आपका पॉल्यूशन है तो उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें, या आपको कहीं लगता है कि आपके सिस्टम से कोई पॉल्यूटेड हो तो उसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोलिंग करना है, ऐसे इक्विपमेंट लगाना है जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है और आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले हैं। तो जब आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टॉपिक में आज की वीडियो में हम केवल इतना ही टॉपिक लेंगे और बाकी का जो कंटेंट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बहुत जरूरी है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।